नगरीय निकाय चुनाव में कई जगह गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं। राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता बड़े स्तर पर दिखाई दिया। बात करें अगर नगर पंचायत कुरौली की, तो यहाँ लल्लू सिंह इंटर कॉलेज में मतदाता परेशान होते दिखाई दिए। पोलिंग बूथ पर लगे एजेंटों ने पोलिंग बूथ कर्मचारियों पर धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमिता गुप्ता ने प्रशासन पर गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया। कुरौली नगर पंचायत ही नहीं बल्कि कोसमरा नगर पंचायत, करहल नगर पंचायत समेत तमाम जगह मतदान धीमी गति से होने की खबरें आती रहीं और आखिरकार देर शाम तक आरोप प्रत्यारोप के साथ मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। आप चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में मतदाता जो लाइन में लगे हुए वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो धीमी गति से मतदान करा रहे हैं, काफ़ी समय से लाइन में लगे, तो आप क्या कहते हैं? हमारे वोटरों की जो भी पर्चियाँ हैं, लिस्ट में नाम उनके पति का, पति की जगह हस्बैंड का है, हस्बैंड की जगह पति ससुर का है, बहुत सारी मिस्टेक कर दी है वोटर लिस्ट में, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन का काम चल रहा है अंदर। SDM साहब से भी मैंने फ़ोन कर दिया है और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मतदान फास्ट कराएं जिससे कि अच्छा मतदान हो सके, ठीक है ना। अगर कम मतदान होगा तो तब भी दिक्कत है, वोटर परेशान है, धूप में खड़े हुए हैं। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मतदान फास्ट करें। पोलिंग डम की जा रही है, नकली आधार कार्ड बनवा के वोट डलवाए जा रहे हैं और मैं अंदर खड़ी हूँ और बाय द वे मेरा कोई जान पहचान का मिलता है क्या? मैं नमस्ते नहीं कर सकती हूँ, बताइए आप जी। मैं आपकी उसमें थोड़ी नहीं जा रही हूँ रूम में कि आप मैं उनसे कह रही हूँ आप वोट स्टैम्प करिए, वोट डालिए नेहा के लिए। मैं नॉर्मली मेरा कोई जान पहचान का, मेरी तो पूरी मैनपुरी जान पहचान की है बाय द वे, तो मैं उससे नमस्ते करी हूँ, तो नेहा गुप्ता अंदर भी ना खड़ी हूँ, किसी से नमस्ते भी ना करी। क्या लग रहा है? और रानी लक्ष्मी बाई भी पोलिंग डम की जा रही है, सिर्फ बेईमानी की जा रही है। बेईमानी जो विरोधी पार्टी है, हाँ जो बड़े नेता बैठे हैं बेईमानी कर रहे हैं। क्या नाम है उनका जो बैठे? नाम नहीं बताऊंगी, विरोधी पार्टी बड़े नेता है जिन्होंने मेरी माँ का पर्चा निरस्त कराया, वही नेता सब कुछ कर रहे हैं। वो किसी भी तरह चाहते हैं नेहा गुप्ता जीते ना जीते ना जीते। अब जनता कुछ मैसेज देंगी? जनता को अभी भी मैं मैसेज करूंगी कि आप लोग अपने घर से निकलिए और मुझे वोट करिए, मेरा चुनाव चिन्ह गधा है, प्लीज वोट करो। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चंद। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में मतदान करने आए हैं, आप कितनी देर से लाइन में लगे हैं? कम से कम 1 घंटा हो गया। अच्छा, आपको 1 घंटा हो गया, तो क्या मतदान स्पीड सही नहीं है, धीमी गति से हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ और कोई दिक्कत परेशानी? आप आपकी उम्र कितनी है? कम से कम 70 साल। अच्छा, आपको वरिष्ठ श्रेणी में नहीं रखा गया, आपको लाइन में लगा दिया गया। तो यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी वो धीमी गति से मतदान करा रहे हैं। क्या नाम है भैया? अच्छा, आप ये मौलाना अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में मतदान करने आए हैं, तो आप कितनी देर से लाइन में लगे हैं? तो क्या मतदान की धीमी गति से हो रहा है क्या? बहुत स्लो हो रहा है। तो आपने किसी से कहा नहीं, यहाँ के पीठासीन अधिकारी वगैरह किसी से, आपके जो भी एजेंट उनसे नहीं कहा?